हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ग्राफिक डिजाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टच पर। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष रस्तोगी और ये चल रही है हमारी कोरल ड्रॉ 2021 की बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसमें हम कोरल ड्रॉ को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पैटर्न फिल के बारे में। लास्ट क्लास में हमने सीखा था यूनिफॉर्म फिल के बारे में, जिसमें हमने ग्रेडियंट फिल को बहुत ही डिटेल में सीखा था। आई होप आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी, आपने मिस कर दी है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर मैंने आपको आई बटन पे भी लिंक दे दिया है, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैटर्न फिल के बारे में। पैटर्न फिल में हम लोग वेक्टर पैटर्न फिल एंड बिटमैप पैटर्न फिल के बारे में आज सीखेंगे। बट क्लास शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्सेज की डिटेल में नॉलेज देता हूँ। जिस तरीके से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर फिल करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो या कोई ग्रेडियंट कलर हो, उसी तरीके से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के अंदर किसी डिज़ाइन को बना करके उसका पैटर्न फिल भी बना सकते हैं। जैसे समझाने के लिए मैं भी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ और हमने यहाँ पे एक सिंपल सा एक कलर फिल किया हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये हमने यहाँ पे फिल किया है एक कलर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक शेप और बनाऊँ कुछ इस तरीके से, और अब देखते हैं हमें पैटर्न कैसे फिल करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे वापस से इंटरेक्टिव फिल टूल में, और यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है वेक्टर पैटर्न फिल। उससे पहले हमने फाउंटेन फिल के बारे में पढ़ा हुआ है और आज हम देखेंगे वेक्टर पैटर्न फिल। यहाँ पर आपको वेक्टर पैटर्न फिल भी देखने को मिल जाता है और उसके जस्ट बगल में आपको देखने को मिल जाता है बिटमैप पैटर्न फिल। वेक्टर पैटर्न फिल क्या होता है, जिस तरीके से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे कलर फिल किया हुआ है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे वेक्टर के पैटर्न्स को फिल कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो चूंकि मेरा यहाँ पे पहले से एक पैटर्न सेलेक्ट था, तो उसने यहाँ पे ऑलरेडी उसको फिल कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे इस जगह पे जाकर के फिल पिकर के अंदर हमको यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ से हम लोग किसी भी पैटर्न को पिक करके उसको अपने ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे ये देखिए, हमने यहाँ पे एक पैटर्न फिल कर लिया है। पैटर्न फिल क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने सीखा है पैटर्न फिल, पैटर्न फिल वेक्टर पैटर्न फिल क्या होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कलर फिल किया है, ऐसे ही हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का पैटर्न बना के फिल कर सकते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का पैटर्न कैसे बनाना है वो भी हम आगे सीखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। बट उससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक जान लेते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए एक पैटर्न को फिल किया हुआ है, ये हमारा एक वेक्टर पैटर्न फिल है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पैटर्न फिल करते हैं, तो यहाँ पे कुछ आपको हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। ये हैंडल्स क्या करते हैं, इस पैटर्न के साइज को छोटा और बड़ा करने के काम में आते हैं, कुछ इस तरीके से, ये देखिए। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम यहाँ से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, और अगर हम चाहें मुझे सिर्फ इसकी लेंथ बड़ी करनी है या मुझे सिर्फ इसकी हाइट छोटी करनी है, तो वो भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने इस फिल पैटर्न को स्क्रू भी कर सकते हैं। अगर हम देखें कुछ इस तरीके से, हम इसको स्क्रू भी कर सकते हैं, और अगर मुझे रोटेट करना हो तो इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में भी हमको वो पैटर्न फिल चाहिए होगा उसका पैटर्न। ऑलराइट, तो कुछ ये है इसका बेसिक। ये मैं ऐसे हैंडल मूव कर सकता हूँ और इसको कहीं पर भी मैं इसको रख सकता हूँ। ऑलराइट, अब देखते हैं कि अगर हमें कोई पैटर्न बनाना हो तो वो कैसे बना सकते हैं, और उसके बाद में हम सीखेंगे यहाँ के कुछ ऑप्शंस के बारे में। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक आपको पैटर्न बना के दिखाता हूँ, बट उससे पहले मैं इन सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे एक पैटर्न बनाना सीखते हैं। पैटर्न जैसे कि मैं यहाँ पे किसी भी एक शेप को ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, और इसकी मैंने साइड्स कम कर दी हैं, और मैं यहाँ से इसको देता हूँ 0 डिग्री का एंगल। ऑलराइट, यहाँ पे 8 साइड्स ठीक है, या फिर 6 साइड्स ये भी ठीक है।
मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ऑल राइट, और अब हम क्या करते हैं, इसको 0 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। तो अभी ये सही है। मैं इसकी जो साइड्स हैं वो एक कुछ कम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 6 मैंने इसकी साइड्स ले ली हैं। तो अब हम कुछ भी एक पैटर्न बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे गाइडलाइन ले रहा हूँ इस तरीके से सेंटर में, ताकि मुझे इस ऑब्जेक्ट का सेंटर पता रहे कि कहाँ पर है। और उसके बाद में मैंने यहाँ से फ्री हैंड टूल लिया, और फ्री हैंड टूल की मदद से मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से एक शेप को ड्रॉ किया। ऑल राइट, तो कुछ इस तरीके से मेरा देखिए कि एक बॉक्स बन के आ गया है। और अब मैंने इसी की एक कॉपी किया कुछ इस तरीके से, और मैंने इसको भी अलाइन कर दिया है यहाँ पर। और अब मैंने इसकी एक और कॉपी किया इस साइड में। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 बॉक्सेस बना लिए हैं। अब मैं अपने इस शेप को अलग रख देता हूँ, और मैं यहाँ पे कोई भी अपने कलर फिल कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट 3 कलर्स मैंने फिल कर लिए हैं। चाहो तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ग्रेडियंट फिल करना होगा तो आप सिंपली फाउंटेन फिल पर जाइए, और यहाँ से आप कोई भी एक ग्रेडियंट कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कलर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तीनों में ही कोई ग्रेडियंट कलर दे देता हूँ। तो उसके लिए मैं वापस से यहीं पे जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे अलग अलग शेप्स में अलग अलग ग्रेडियंट को मैं दे रहा हूँ। ऑल राइट, तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर दे दिया, और यहाँ पर भी मुझे देना है, तो मैंने यहाँ पर भी एक अपना ग्रेडियंट फिल को दे दिया है। ऑल राइट, अभी ठीक है। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक, अब मैं इन गाइडलाइंस को ऐसे डिलीट कर देता हूँ। ऑल राइट, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लिया है। तो अब अगर मुझे इस शेप को एक पैटर्न देना हो तो हम कैसे देंगे? उसके लिए सिंपली आपको जाना होगा ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रिएट, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे पैटर्न फिल। जैसे आप क्रिएट पैटर्न पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि ये जो आपको पैटर्न बनाना है भाई, ये आप कौन सा पैटर्न बनाना चाह रहे हैं? आप वेक्टर पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, या बिट मैप पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, या फिर 2 कलर पैटर्न बनाना चाह रहे हैं? अभी हम इन तीनों के बारे में सीखेंगे, बट अभी हम चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वेक्टर पैटर्न, और हम क्लिक कर देते हैं ओके पे। तो देखिए हम जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्रॉप टूल बन करके आ जाएगा। ये हमको बताता है कि हमको कितना सिलेक्शन लेना है पैटर्न बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर भी डबल क्लिक कर सकते हैं। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक किया। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि आपको इसको क्या नाम देना है, इस पैटर्न को जो आप पैटर्न बनाना चाह रहे हैं आपको इसको क्या नाम देना है। इसको हम लोग बोलते हैं कस्टम पैटर्न। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, ट्राई कलर पैटर्न। ऑल राइट, यहाँ से हम चाहें तो कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हैं कि हमें इस पैटर्न को किस कैटेगरी के अंदर रखना है। अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पे नहीं है और आपको एक नई कैटेगरी बनानी है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप एक न्यू कैटेगरी भी बना सकते हैं। तो मैं एक न्यू कैटेगरी बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ नाम इसका, माई न्यू कैटेगरी। ऑल राइट, और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरा ये पैटर्न सेव हो चुका है। अब अगर मुझे एक नया शेप मैं यहाँ से लेता हूँ, और मुझे इस शेप के अंदर उस पैटर्न को फिल करना होगा, तो सिंपली हम यहाँ से जाएंगे अपने इंटरेक्टिव टूल में, यहाँ पे जाएंगे पैटर्न फिल पे, और ये देखिए आपको पैटर्न यहाँ पे बन करके आ गया है। या फिर आप यहाँ से भी जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ भी देखिए पैटर्न देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ से क्लिक करके भी अपने पैटर्न को ला सकते हैं। और मैं इस पैटर्न का साइज़ छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और तो ये देखिए आपको बहुत सारे कुछ इस तरीके के शेप्स मिल जाएंगे, और आप इनसे एक नया पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। आप इससे बहुत सारे पैटर्न क्रिएट से कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये सारे के सारे चूंकि वेक्टर पैटर्न से बने हुए हैं, इसलिए आप इनको कितना भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, और ये प्रिंटिंग में भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिंट होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे वेक्टर पैटर्न्स को बना सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन कुछ चीज़ों के बारे में जो हमें यहाँ पे और ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो सबसे पहला हमको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे मिरर टाइल्स हॉरिजॉन्टली। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको बहुत ही माइनर सा डिफरेंस देखने को मिला है, कुछ इस तरीके से देखिए। बट इसका अगर आपको एक्चुअल डिफरेंस देखना होगा तो मैं भी आपको एक दूसरा पैटर्न बना के दिखा दूंगा, आपको वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा दिखने को मिल जाएगा इफेक्ट। अभी आप देख सकते हैं जैसे कि मैं देखिए ये कलर यहाँ पर है, और तो जब मैं चूँकि मैंने यहाँ पे मिरर चूज़ किया हुआ है हॉरिजॉन्टली, तो इस ऑब्जेक्ट का मिरर यहाँ पे देखिए बन के आया है। तो ये ऑब्जेक्ट इसके मिरर में यहाँ पर आया हुआ है, ऐसे ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर मिरर में आया है। यहाँ पर देखिए मिरर मेंटेन नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से वर्टिकली को एक्टिवेट नहीं किया है। अगर हम वर्टिकली को एक्टिवेट कर देंगे तो फिर देखिए आपको यहाँ पर भी ये पैटर्न मिरर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम लोग जो है यहाँ से मिरर बना सकते हैं। ऑलराइट, अब देख लेते हैं अपने आगे के ऑप्शन के बारे में। यहाँ पे दिया है हमें ट्रांसफॉर्म विथ ऑब्जेक्ट, इसका फंक्शन क्या है भाई? देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अपने इस ऑब्जेक्ट में ये पूरा का पूरा पैटर्न फिल किया हुआ है, फिल करने के बाद में अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को छोटा करता हूँ तो आप देखेंगे ये देखिए जो मेरा पैटर्न का साइज़ है वो नहीं छोटा बड़ा हुआ है, मेरा जो ऑब्जेक्ट का साइज़ था वो चूँकि मैंने बड़ा किया या छोटा किया तो मेरा पैटर्न का साइज़ छोटा नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी क्वांटिटी जो मुझे डिस्प्ले हो रही है वो कम और ज़्यादा हो रही है। अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो मैंने पैटर्न यहाँ पर फिल कर दिया है ये पैटर्न इतना डिस्प्ले लॉक हो जाए और जब भी मैं अपने ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा करूँ तो इतना पैटर्न ही छोटा बड़ा हो। ऑलराइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहां पर हम क्लिक कर देंगे। अभी देखिए क्या होता है, मैं सब्जेक्ट को बड़ा करता हूं तो ये देखिए आपका ये जो पैटर्न है उसके साथ में बड़ा हो रहा है, और अगर हम ऑब्जेक्ट को छोटा करेंगे तो मेरा जो पैटर्न है वो भी छोटा हो रहा है। ठीक है, चूंकि अब इतना पैटर्न इस यहाँ पे लॉक हो गया है तो अब हम जब भी इसको छोटा बड़ा कर रहे हैं तो फिर पैटर्न की जो क्वांटिटी है वो घट बढ़ नहीं रही है, सिर्फ उसका साइज घट बढ़ रहा है। ऑलराइट, इतना समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉपी फिल का। कॉपी फिल का ऑप्शन क्या काम करता है, उसके लिए मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो पैटर्न है भाई वो पैटर्न कॉपी हो जाए इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिंपली जाएंगे कॉपी पे क्लिक करेंगे और हमें जो पैटर्न यहाँ से कॉपी करना है हम वहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए मेरा ये पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ पे कॉपी होकर के आ गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग कॉपी पैटर्न का भी यूज़ कर सकते हैं या कॉपी फिल का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी में ही आपका एक लास्ट ऑप्शन है एडिट फिल का। ठीक है, एडिट फिल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जो ऑप्शंस हमने यहाँ पर अभी देखे हैं वही ऑप्शंस हमें कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल जाते हैं, केवल कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए मिरर का ऑप्शन हमारा वही है जो कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है, ये आपका इसका साइज़ का ऑप्शन है, आप चाहो तो यहाँ से इसके साइज़ को देखिए घटा या बढ़ा सकते हैं, आप इसकी लेंथ और उसके विड्थ को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपका स्क्रू का ऑप्शन है, आप चाहो तो इसको स्क्रू कर सकते हो कि आपको इसको कितने डिग्री पर स्क्रू करना है, कुछ इस तरीके से। और ये आपका रोटेशन का ऑप्शन है कि अगर आपको ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट करना होता है तो फिर आप वो यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ऑलराइट, उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलम ऑफसेट एंड रो ऑफसेट का। देखिए यहाँ से भी हम लोग इफेक्ट में छोटे से चेंजेस ला सकते हैं अपने, जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है रो ऑफसेट और मैं यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट देखने को मिल जाता है यहाँ पर, और अगर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ कॉलम और मैं यहाँ पे इसकी अगर वैल्यू देता हूँ तो ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं हमारे पैटर्न में। ऑलराइट, तो कुछ इस तरीके से भी हम यहाँ से पैटर्न में ऑफसेट को चेंजेस
ला सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है सोर्स। सोर्स क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमें जो पैटर्न मिलता है वो हमने नहीं यहाँ अपने कोरल ड्रॉ में ना बना करके हमें किसी ने वो पैटर्न बना करके भेजा हुआ है, तो अगर हमको उस पैटर्न को यहाँ पे सेव करना हो तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पे पूछेगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ पर है, तो फाइल जनरली जो हमारी होती है वो होती है कोरल, कोरल के अंदर कोरल कंटेंट एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है फील। तो ये देखिए हमने जितने भी यहाँ पे पैटर्न सेव किए हैं जो कि कस्टम पैटर्न है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने खुद बनाए हैं अपनी तरफ से, उसको सेव किए हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर आपको इन पैटर्न किसी को भेजना होता है तो सिंपली आप यहाँ से इसको कॉपी करके, ठीक है, और उसको आप मेल कर सकते हो या पेन ड्राइव में कहीं पर भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी ने पैटर्न भेजा हुआ है अपना एक फिल पैटर्न बना करके, तो उसको आप यहाँ पे ला करके पेस्ट कर सकते हैं, देन आप उसको फिर यूज़ करेंगे अपने कोरल ड्रॉ के अंदर। ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप चाहो तो अपने पैटर्न का नाम भी बदल सकते हो, जैसे कि अभी देखिए ये मैंने एक पैटर्न बनाया था, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक नया पैटर्न बन के आ जाए कोई दूसरा जो कि मैंने अभी यहाँ बनाया हुआ है, क्योंकि उस पैटर्न मैंने जो मेरा ओरिजिनल पैटर्न था मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये पैटर्न भी सेव हो जाए, तो मैंने उसको एक अलग नाम दे दिया और मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया। तो वापस से देखिए हमसे यहाँ पे नाम ये दिखा रहा है, इसको अगर हम सेव पे क्लिक कर देंगे तो मेरा ये पैटर्न भी सेव हो गया है इस जिस कंडीशन में आपको दिख रहा है। ऑलराइट, तो कुछ ये ऑप्शंस हमारे होते हैं जिसको हम लोग वेक्टर पैटर्न में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाइए तो देखिए आपको एक ये टाइल्स देखने को मिल रहा है जो कि हमने पहले बनाई थी, और एक ये टाइल्स देखने को मिल रही है जो कि अभी हमने बाद में सेव किए हैं। टाइल्स क्या होती है, जो ये जो आपका एक जो सिंगल ऑब्जेक्ट है जितना हमने सेव किया हुआ था उसी को बोलते हैं टाइल्स, और ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये मल्टीपल टाइल्स से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे ढेरों टाइल्स हैं अलग अलग और उनसे एक पैटर्न क्रिएट हुआ है। ऑलराइट, तो जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे वेक्टर के थ्रू पैटर्न बनाए हैं, ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे बिटमैप के थ्रू पैटर्न भी बना सकते हैं। पैटर्न सिर्फ आप यही नहीं, आप बहुत सारी डिज़ाइनें क्रिएट कर सकते हैं पैटर्न में, और आप उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये शेप बनाया है, आप कोई दूसरा शेप बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक मैं आपको यहाँ पे एक पैटर्न और बना के दिखा देता हूँ, एक छोटा सा पैटर्न जल्दी से। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से, मैंने इसकी लाइन का कलर मैं दे देता हूँ और इसकी मैं कुछ कॉपीज़ कर लेता हूँ इसी सेम ऑब्जेक्ट की कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे कुछ इसी कॉपीज़ कर ली हैं एंड देन उसके बाद में हम यहाँ से लेते हैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल और मैं यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ, इन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से डिलीट करता हूँ कुछ इस तरीके से। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरे इस पर मैंने इस पर पूरी की पूरी एक क्लास बना के आपको एक सेपरेट क्लास दी हुई है, तो वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं अगर आपको इस टूल का इस्तेमाल करना नहीं आता है तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस टूल की मदद से कुछ एक ऐसा शेप मैंने बना लिया है अभी, ठीक है। और अब हम चाहें तो इस पैटर्न को भी सेव कर सकते हैं कहीं पर भी, जहाँ भी हम चाहें। ये एक छोटा सा शेप रह गया है तो मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, अभी सही है। तो हम चाहें तो इस पैटर्न को भी सेव कर सकते हैं, सिंपली करना क्या होगा, ठीक है, वापस से जाएंगे इंटरेक्टिव फिल टूल में और पैटर्न फिल पे जाएंगे और यहाँ पे भी तो हम लोग इसको भी सेव कर सकते हैं। सेव के लिए करना क्या होगा, सिंपली हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे एंड पैटर्न फिल, देन हम यहाँ से चूज़ करेंगे हमारा टाइप वेक्टर पैटर्न एंड देन हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें कितना साइज़ चाहिए। जैसे कि देखिए अभी मैं इसका साइज़ कुछ कम करके भी दिखा देता हूँ आपको, मैं जो है सिर्फ इतना साइज़ चाहिए है तो मैं सिर्फ इतना ही ले रहा हूँ, देन एक्सेप्ट, ये सेव हो चुका है, मैंने यहाँ पे इसका एक नाम दे दिया न्यू पैटर्न और इसको मैंने सेव कर दिया। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और देखिए ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, मैं यहाँ से एलिप्स ले रहा हूँ, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई भी आप बेसिक शेप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कोई भी एक कस्टम शेप बना करके भी आप वहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे एलिप्स का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं वापस जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं गया पैटर्न फिल पे, देखिए पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है और हमने यहाँ से अपना पैटर्न
चूज़ कर लिया, कहाँ गया, ये रहा। ऑलराइट, तो ये देखिए हमारा पैटर्न आ गया है। इसको हम जिस साइज़ में चाहें, जिस एंगल में चाहें, उसको हम लोग दे सकते हैं, और यहाँ से उस पर जो भी चेंजेस करने हैं वो देखिए हम यहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग वेक्टर पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में, और अब हम जानते हैं कि बिटमैप पैटर्न क्या होता है। देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि वेक्टर पैटर्न्स क्या होते हैं, कि मल्टीपल जो हमारे लाइंस एंड शेप्स हैं उनसे मिल करके हमारा एक वेक्टर पैटर्न बन जाता है, जिसमें हम लोग चाहें तो कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। बिटमैप पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे जो पैटर्न बनाते हैं वो हम लोग इमेजेस से बनाते हैं। तो जब चूंकि हम लोग चूंकि यहाँ पे इमेजेस से पैटर्न बना रहे हैं, तो उस इमेज का क्या रेजोल्यूशन है, उसकी क्या डेप्थ है, उसका क्या साइज़ है, ये सब बहुत डिपेंड करता है हमारे उस पैटर्न की क्वालिटी के ऊपर। समझाने के लिए जैसे कि मैं यहाँ पर एक इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैं इंपोर्ट के थ्रू यहाँ पर एक इमेज ले आता हूँ। तो डेस्कटॉप पर मेरी एक इमेज पड़ी हुई है, जैसे कि ये मैं इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि इसमें का कुछ थोड़ा सा पार्ट हमको पैटर्न में बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं ऑब्जेक्ट में, देन क्रिएट, देन पैटर्न फिल, और अब हम यहाँ से चूज़ करेंगे बिट मैप। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमसे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना आपको एरिया चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन के थ्रू बता रहा हूँ उसको कि मुझे इतना एरिया चाहिए जो कि मुझे पैटर्न फिल बनाना है, देन एक्सेप्ट। जैसे मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो मुझे उस पैटर्न को आरजीबी में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है, ताकि जो उसका रेजोल्यूशन है वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकें। तो हम यहाँ से इसको सिंपली 300 dpi ही दे देंगे, और ये जो हमारे ऑप्शन हैं एंटी एलाइजिंग एंड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, इनको हम लोग एक्टिवेट ही रखेंगे जैसे ये हैं, देन हम यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है इसका नाम, मैं यहाँ पर दे देता हूँ बिट मैप 1। ऑलराइट, देन सेव। तो ये देखिए हमारा पैटर्न बन चुका होगा, जिसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। मैं वापस से यहाँ पे एक शेप बना रहा हूँ उसको फिल करने के लिए, और अब हम जा रहे हैं वापस से इंटरेक्टिव फिल टूल पे, देन यहाँ पे है आपका बिटमैप पैटर्न फिल। जैसे क्लिक किया तो ये देखिए आपको यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है जितने भी हमने पैटर्न बनाए हुए हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका पैटर्न आ गया है। आप इसको भी यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, या किसी भी एंगल में आप इसको रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग वेक्टर पैटर्न कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए आपको वही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मिरर हॉरिजॉन्टल, मिरर वर्टिकल, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए आपको वही सेम ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे देखिए वही आपका सेम ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म विथ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो जो भी हमारा शेप है वो लॉक हो जाएगा, और जब उसको हम छोटा बड़ा करेंगे तो जो मेरी बिटमैप इमेज है वो भी साथ में छोटी बड़ी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिला है वो मिला है ब्लेंड ट्रांजिशन। ब्लेंड ट्रांजिशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमें कुछ ब्लेंड के टाइप्स देखने को मिल जाते हैं, चूँकि ये हमारी एक बिटमैप पैटर्न है, इसलिए हम चाहें तो यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस, कलर को, इसकी ल्यूमिनेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे रेडिकल ब्लेंड के बारे में। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए जहाँ पे भी इसके कॉर्नर से, जैसे यहाँ पे देखिए कॉर्नर था इस इमेज का, यहाँ पे कॉर्नर था, यहाँ पे कॉर्नर था, और यहाँ पे कॉर्नर था, तो जहाँ जहाँ उसको कॉर्नर मिल रहा था वहाँ पर भी देखिए उसने एक ब्लेंड आपको बना के दे दिया है इस इमेज का सेंटर से, ये देखिए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रेडिकल ब्लेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग क्लिक करते हैं लीनियर ब्लेंड पे, तो आपको लीनियर ब्लेंड कुछ इस तरीके को देखने को मिल जाएगा लीनियर फॉर्म में। उसका आप परसेंटेज यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना ज़्यादा ब्लेंड करना है या कितना कम आपको ब्लेंड इफेक्ट यहाँ पे दिखाना है। तो मैं यहाँ पे देखिए ज़ीरो कर देता हूँ, तो ये ज़ीरो हो गया है। अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा तो आपको थोड़ा सा देखिए आपको ब्लेंड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, फिर यहाँ पे देखने को मिलता है एज मैच। एज मैच क्या होता है, जो भी हमारा यहाँ पे पैटर्न फिल है तो उसका जो अपोजिट साइड का जो पैटर्न है उससे कलर को ये मैच कर देता है छोटा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज को अगर हम घटाएंगे बढ़ाएंगे तो देखिए आपको जो एजेस हैं, जैसे मेरा चूंकि ये एक सिंगल टाइल है, ये मेरी एक सिंगल टाइल है जो आपको बाउंड्री दिख रही है, तो उस टाइल की जो एजेस हैं वो जो दूसरा पैटर्न आपको दिख रहा है उससे ये इसको मैच कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एज
मैच का। ऑल राइट, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया है ब्राइटनेस का। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हम यहाँ पे इमेज की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, इमेज की ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं जितना भी हमको बढ़ाना है कुछ इस तरीके से, और उसकी जो ब्राइटनेस है उसको हम घटा भी सकते हैं कुछ इस तरीके से। ऑल राइट, तो मैं इसको वापस से ज़ीरो कर देता हूँ नॉर्मल। एंड देन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है ल्यूमिनेंस का। ल्यूमिनेंस क्या करता है कि जहाँ पे इस इमेज का आपका जो ग्रे स्केल का जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसको बढ़ाने के काम में आता है। तो अगर मुझे उसको इंक्रीज करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे से क्लिक करूँगा। देखिए आपको यहाँ पे ग्रे कलर का जो कॉन्ट्रास्ट है वो ज़्यादा आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। एंड लास्ट में आपको दिखता है कलर, तो यहाँ से हम कलर कॉन्ट्रास्ट को घटा बढ़ा सकते हैं सिंपली इस तरह से क्लिक करके। अगर आपको चारों के चारों आपको एक साथ इस्तेमाल करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ कुछ ऑप्शन से इस्तेमाल करने हैं तो आप उनको अनटिक करके सिर्फ आपको जो इस्तेमाल करना है आप उसको क्लिक करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका भी एक लास्ट ऑप्शन है एडिट फिल का। मैं यहाँ पे जाके देख लेता हूँ कि शायद कोई ऑप्शन छूटा तो नहीं है। तो हमने चूंकि यहाँ पे रेडिकल ब्लेंड देख लिया है, लीनियर ब्लेंड भी देख लिया है, फिर हमको यहाँ पे मिरर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि हमने यहाँ पे पढ़े हुए थे। देन ये सारे के सारे हमारे ब्लेंड ट्रांजिशन हैं। एंड यहाँ पे आपका विड्थ एंड हाइट मिल जाता है जो कि हमने सेम है, जो कि हमने वेक्टर पैटर्न में पढ़ा हुआ था कि इस इमेज का जो साइज है वो आप घटा बढ़ा सकते हैं, इसके विड्थ एंड उसका हाइट आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे स्क्रू का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप कुछ अपनी इमेज को स्क्रू भी कर सकते हैं या आप रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। वापस से देखिए यहाँ पे सोर्स का ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपके पास कोई बना बनाया कोई पैटर्न है बिटमैप का और वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है, या आपके किसी फ्रेंड ने या आपने कहीं ऑनलाइन उसको डाउनलोड किया हुआ है किसी पैटर्न को और वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है कोरल में, तो उसके लिए आप यहाँ पे चूज बटन पे क्लिक करके आप कोरल में जाइए। देन कोरल कंटेंट एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है फिल, और यहाँ पे आप जो है उस बिटमैप पैटर्न को सेव कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमारे यहाँ पे एक बिटमैप पैटर्न सेव है, तो आप इसको चाहो तो यहाँ से किसी को भेज भी सकते हो, और अगर आपको किसी ने भेजा है तो आप यहाँ पे इसको लाके पेस्ट कर लीजिए, देन आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने कोरल ड्रॉ में। ऑल राइट, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिख जाता है ऑफसेट का, जो कि सेम ऑप्शन है आपका जैसे कि हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था कि आप यहां से ऑफसेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और एक नया पैटर्न आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये थी आज की छोटी सी क्लास जिसमें हम लोगों ने पैटर्न फिल के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है आपको पैटर्न फिल से रिलेटेड तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली नेक्स्ट क्लास की वीडियो आपको देखने को मिले, और नोटिफिकेशन बेल पर भाई ज़रूर क्लिक कर देना, तभी आपको वो नोटिफिकेशन मिलेगी, अदरवाइज़ मैं अपलोड करूँगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय। Bye.